हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मार्जिनल कॉस्ट का एक क्वेश्चन पढ़ा देता, उसमें ईयर नहीं देता, इसमें 2 साल वाला क्वेश्चन है। अब देख सकते हैं 2013 2014 जब ईयर वाला क्वेश्चन आएगा ना, ईयर वाला, तो एक फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट होगा, चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल्स। कब ये वाला फॉर्मूला आएगा? जब क्वेश्चन में दो ईयर रहेगा, दो अलग अलग साल दिया, और क्वेश्चन में क्या दिया? सेल्स दिया और क्या दिया? प्रॉफिट दिया। तो सेल्स और प्रॉफिट, तो एक इनकम स्टेटमेंट है, मार्जिनल कॉस्ट का ये याद करना पड़ेगा। क्या है? सेल्स में से क्या माइनस करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, अपने को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो सेल्स कितना दिया अपने को क्वेश्चन में? 6,08,000 इधर लिखा, 6,00,000 इधर लिखा, 8,00,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है? प्रॉफिट 60,000 और 1,00,000, वो नीचे लिखने का। ठीक है, अब उन्होंने सवाल किया है, कैलकुलेट पीवी रेशियो, कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट, कैलकुलेट ब्रेक इवन कॉस्ट, सेल्स टू एंड प्रॉफिट, मार्जिनल सेफ्टी, ऐसा उन्होंने फाइंड करना बोला। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? क्या फाइंड करेंगे? पीवी रेशियो। क्या फाइंड करेंगे? पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल्स। तो पीवी रेशियो, तो चेंज इन प्रॉफिट मतलब ये 60,000 है, ये 1,00,000 है, तो 1,00,000 को 60 से माइनस करना, 1,00,000 को 60 से, 1,00,000 में से 60 गया तो कितना है? 40,000। चेंज इन सेल्स 6,08,000, 8 में से 6 गया तो 2,00,000, इंटू क्या करेंगे? 100 करेंगे, तो 20% आ गया। कितना आ गया? 20%। ये 8 मार्क का समय, तो पीवी रेशियो कितना आ गया? 20%, मतलब तुम्हारा 2 मार्क जमा हो गया, राइट, डायरेक्ट मिल गया। अभी नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट। क्या पूछा है? फिक्स कॉस्ट, अभी थोड़ी जर्नी लंबा है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला, अभी पीवी रेशियो निकाल दिया ना, अभी आपको क्या करने का, एक लाइन मारेंगे 2013 2014 लिखेंगे, और वापस से हम लोग पीवी रेशियो का फॉर्मूला डालेंगे, जो फर्स्ट वाले समय बताया ना, कंट्रीब्यूशन सेल्स 100। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, टीचर लोग ने भी याद करेगा, कॉलेज में तुमने ध्यान नहीं दिया था तो याद कर लेना। ठीक है, कंट्रीब्यूशन सेल्स 100, तो पीवी रेशियो अपने पास 20 है, कंट्रीब्यूशन नहीं है ना, तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन को सी रखा। 2013 का सेल्स है ना अपने पास, कितना दिया ना? 6,00,000, इंटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने का, तो बच्चे लोग से होता नहीं, तो क्या करो, एकदम आराम से करो ना, जीरो जीरो मत काटो, एक काम करो, 20 है ना, इस 6,00,000 को ऊपर जान दो, और सौ को किधर आन दो? नीचे जान दो, ये ऊपर गया और ये किधर आया? नीचे। फिर इसको सॉल्व कर दे, 2,0 2,0 कैंसिल, 6 2 12, तो 1,20,000 आया। तो अपने को क्या मिला? कंट्रीब्यूशन मिल गया, तो इधर लिख दिया कंट्रीब्यूशन 1,20,000। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन किसका निकला? 2013 का। सेम ये पार्ट 2014 के लिए सॉल्व करेंगे, तो पीवी रेशियो कितना? 20%। कंट्रीब्यूशन है क्या? नहीं है। 2014 में कितना सेल्स किया? 8,00,000 इंटू 100, पूरा फॉर्मूला का ही खेल है। ठीक है, याद करेगा हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करने का है? पहले 20, अभी उल्टा करा, 20 20 काट दो, ये नीचे वाला इसके पास आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा ना, तो 20 को किससे मल्टीप्लाई किए? 8,000 से, 8 2 16, मतलब 1,60,000 आ गया। ठीक है, 1,60,000, 1,60,000 क्या आ गया तुम्हारा? कंट्रीब्यूशन, इधर लिख दिया 1,60,000। बट क्वेश्चन में क्या पूछा था? पीवी रेशियो पूछा था, वो तो ढूंढ लिया। फिक्स कॉस्ट पूछा है, हमने क्या निकाला? कंट्रीब्यूशन, मतलब अभी भी उनका सवाल का जवाब नहीं दिया। फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा? अभी स्टेटमेंट देखो ना, कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट क्या करो? माइनस करो, मतलब इन दोनों को क्या करना है? माइनस। 1,20,000 से 60 गया ना, तो कितना आंसर आया? 60,000। 1,60,000 से कितना गया? 1,00,000, तो कितना आंसर आया? 60,000। तो फिक्स कॉस्ट क्या है? सेम है ना, और फिक्स कॉस्ट आर दोस कॉस्ट दैट रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट दी प्रोडक्शन थ्रू आउट दी ईयर, तो सेम रहता है, तो सेम है, मतलब आप लोग राइट जा रहे हैं। तो ये फिक्स कॉस्ट तुमने फाइंड किया। अगर वेरिएबल कॉस्ट ढूंढना है तो इसको इसको माइनस करेगा तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। 8,00,000 में से 1,60,000 गया तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। वो पूछा नहीं है, ढूंढ के रख देना तो भी चलेगा, नहीं ढूंढना तो भी चलेगा। तो जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कैलकुलेट पीवी रेशियो एंड कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट, तो दो सवाल का जवाब दे दिया, राइट। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा? ब्रेक इवन कॉस्ट। ब्रेक इवन कॉस्ट मतलब ब्रेक इवन सेल होता है, तो ब्रेक इवन कॉस्ट को आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट पीवी रेशियो 100, फिक्स कॉस्ट पीवी रेशियो, तो फिक्स कॉस्ट अभी हम लोगों ने फाइंड किया ना, 60,000 आया, देखो वो लिखेंगे 60,000। पीवी रेशियो है ना, कितना टका है? 20%। कितना टका? 20%। 20% मतलब 20 इधर लिखने का, 100 इधर डालेंगे, राइट। 1,05,000 इसको कैल्सियम में सॉल्व करेंगे तो 3,00,000 आ जाएगा। कितना जाएगा? 3,00,000। तो ये हो गया तुम्हारा ब्रेक इवन सेल, इसको बोलते हैं टारगेट सेल। क्या बोलते हैं इसको? टारगेट सेल। तो हमने 3 क्वेश्चन फाइंड कर दिया, पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन सेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फोर्थ पहले रुक के करता था, पांचवा पढ़ा था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या बोला है? फॉर द ईयर 2014। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का पहले फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला नहीं आता तो सम तुम लोग छोड़ दो, मत ही करो, फॉर्मूला याद है तो ही मार्क्स मिलेगा, राइट। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल। तो ब्रेक इवन सेल है ना अपने पास, सर दिया देखो ना, 3,00,000 टारगेट, 3,00,000 का सेल करने का था, तो 3,00,000 का सेल। एक्चुअल सेल्स कौन से ईयर का पूछा है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2014। तो 2014 में कितना का माल बेचा? 8,00,000। इसके 8,00,000 डालेंगे, करना था 3,00,000, किया 8,00,000,
तो एक्स्ट्रा कितना किया, 5 लाख ना, तो 5 लाख सेफ्टी अपनी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं उसके, MOS, ठीक है। अगर उन्होंने बोला था कैलकुलेट मार्जिन सेफ्टी फॉर 2013, तो ब्रेक इवन सेल 3 लाख रहता और एक्चुअल सेल्स कितना था तुम्हारा, 6 लाख, 6 में से 3 माइनस कर दो, 3 लाख अंतर आता। अब एक क्वेश्चन बचा है, क्या बोला मालूम है क्या, ऐसा पढ़ने का, कैलकुलेट सेल्स मतलब सेल ढूंढो जब प्रॉफिट 2 लाख है, क्या ढूंढने का है, सेल्स, प्रॉफिट कितना है 2 लाख, व्हेन प्रॉफिट इज 2 लाख व्हाट विल बी ओवर सेल्स, तो यही फॉर्मूला देखो लिखने का, सेल्स इक्वल टू है ना, सेल्स लिखा, फिक्स कॉस्ट पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट पीवी रेशियो प्लस क्या करेंगे डीपी, डीपी मतलब डिजायर प्रॉफिट, वी हैव गिवन दी प्रॉफिट, वी हैव टू फाइंड दी सेल, प्रॉफिट गिवन है, सेल ढूंढना है, तो सेल को ऐसे लिखेंगे, फिक्स कॉस्ट है ना, फिक्स कॉस्ट है ना 6,500, डिजायर प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया था 2 लाख, आप देख सकते हैं प्रॉफिट 2 लाख, कैलकुलेट सेल, तो प्रॉफिट के 2 लाख डालते हैं, पीवी रेशियो ना, पीवी रेशियो कितना 20%, इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो पहले प्लस करने का, 260 × 100/20, तो ये हो जाएगा 26, सॉल्व करके कितना आ जाएगा मालूम है क्या, 13 लाख आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 लाख कमाना था तो 2 लाख कमाने के लिए कितना माल बेचना पड़ेगा, 13 लाख, तो ये सब तुम्हारा 8 मार्क जमा हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था तुम्हारा 2 साल वाला, राइट। तो जब 2 साल वाला आएगा कैसे स्टार्ट करने का, तुमको चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन सेल्स, अभी इसमें सेल और प्रॉफिट दिया, क्या दिया इस क्वेश्चन में, सेल और प्रॉफिट। अभी कभी कभी क्वेश्चन ना तुम लोग को घुमा के देंगे, राइट, एक सेकंड ना, ये देखो ऐसा दिया, अब ध्यान देना, सेल और कॉस्ट दिया, क्या दिया, सेल और कॉस्ट, तो सेल तो हम लोग यहाँ लिख देंगे इधर, पर कॉस्ट को नहीं लिखना है आपको, अपने को किसकी ज़रूरत है, प्रॉफिट की, किसकी ज़रूरत है, प्रॉफिट की ज़रूरत है, सेल दिया है पर प्रॉफिट नहीं दिया है, तो क्वेश्चन में कॉस्ट है ना, तो प्रॉफिट कैसे करें, दोनों को माइनस करो, सेल में से कॉस्ट क्या करेंगे, सेल में से कॉस्ट क्या करेंगे, तो प्रॉफिट मिलेगा, वो यहाँ लिखेंगे ना, सेल में से कॉस्ट क्या करेंगे, तो प्रॉफिट मिलेगा, मतलब क्या बोलने का था कि क्वेश्चन कभी कभी क्या दिया रहेगा आपको, कॉस्ट दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, कॉस्ट, तो जब कॉस्ट दिया रहेगा ना, इसको किधर नहीं लिखना है, तो आपको सेल में से कॉस्ट को माइनस करना है, तो क्या मिलेगा आपको, प्रॉफिट, वो प्रॉफिट वाला वैल्यू यहाँ लिखेंगे, तो अगर आपको कॉस्ट यहाँ लिख दे तो पूरा सम ही गलत हो जाएगा, फिर इतना मेहनत करके 0 मार्क्स मिलेगा ना, तो ऐसा भी सम आएगा, तो ध्यान देना है, कॉस्ट दिया तो उसको लिखना ही नहीं है, सेल में तो कॉस्ट को क्या करेंगे, माइनस, तो प्रॉफिट वाला इधर आइटम लिखेंगे, अभी जैसे कराया ये वाला सम वैल्यू डाल के डाल देंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का कल कर दे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अपने सब बच्चे लोग बैठे हैं, टाइम हो गया है 10 बज गया है, 5 बच्चे लोग के साथ पढ़ा दिया।